नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम साउथ इंडियन स्टाइल में चावल बनाना बता रहे हैं आपको, जिसका नाम है रसम चावल। इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है और एक बड़ा चम्मच घी लिया है। दोनों को हम अच्छे से गर्म कर देंगे। ये घी और तेल गर्म हो चुके हैं तो हमने इसमें एक छोटा चम्मच राई डाला है, एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 8-10 कली लहसुन की हमने काट के इसको डालना है हमको, 2 प्याज को हमने लंबाई में काटा है उसको भी हम डाल देंगे इसमें, और 4-5 हरी मिर्ची को भी हमने लंबाई में ही काट के इसको डाला है। सबको हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक होने देंगे। अब ये हमारे प्याज और लहसुन मिर्ची हो चुके हैं तो हमने इसमें एक चम्मच बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कितना बढ़िया अच्छा सा कलर लग रहा है इसका। अब हम इसमें डालेंगे 4-5 टमाटर। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए टमाटर को थोड़ा गलने तक पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप, हमने 1.5 जग पानी डाला है, मतलब एक प्लेट हमने दाल ली थी, एक प्लेट चावल लिए थे उसमें हमने डाला था 5 प्लेट टोटल पानी डाला है। और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और एक बड़ा चम्मच सांभर मसाला डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हम इसमें साउथ इंडियन स्टाइल तड़का लगा रहे हैं तो इसमें सांभर मसाला डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। अब हमने जो इमली को गला कर रखा था वो इमली का पल्प भी इसमें हम डाल देंगे। मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका इमली का गुदा। तो इस प्रकार से आप फिर 2 सीटी होने तक इसको हम पकाएंगे, तो इस प्रकार से हमारे रसम चावल तैयार हो जाएंगे। तो आप भी इस प्रकार से इसको बनाइए और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए। और मेरी और भी रेसिपी आप देखिए, जैसे टमाटर पुलाव है, खिचड़ियाँ मैंने 2-3 प्रकार की बनाई है, वो भी आप उसको देखिए। थैंक यू।